हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बताने वाले कि आपका पैन कार्ड दोस्तों अभी कहाँ पहुँचा है। अगर आप नया पैन कार्ड एक बनवाए हैं या फिर अपना पैन कार्ड में कोई नाम वगैरह सुधार करवाए हैं तो अभी आपका पैन कार्ड कहाँ पे पहुँचा है, ठीक है, तो आप कैसे उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आपको उसका स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च गूगल फॉर टाइप URL पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर लिखना है, यानी कि अगर आप NSDL वेबसाइट से अपना पैन कार्ड को बनवाए हैं या फिर नाम चेंज करवाए हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है NSDL, ठीक है, पैन स्टेटस। ठीक है, देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पैन स्टेटस। तो चलिए हमें मैंने लिख लिया, देखिए यहाँ पे आगे NSDL पैन स्टेटस, या फिर अगर आप UTIs बनवाएं तो आपको यहाँ पे UTI पैन स्टेटस लिखना है। तो हम यहाँ पे NSDL से बनवाएं तो मैं यहाँ पे NSDL पैन स्टेटस लिखूंगा। यहाँ पे लिखने के बाद ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस ट्रैक सर्च फॉर पैन टैन, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है एक बार। तो हम यहाँ पे चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टैब, यहाँ पे जो लिख रहा है आपको सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करना है एक बार। यहाँ पे पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डाल देना, आपके ईमेल आईडी पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका रिसीविंग मिला हुआ, आपको एक यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ होता है तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है कैपिटल लेटर में, आपको यहाँ पे लिख के सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे डाल देते हैं पहले। तो हम यहाँ पे सारा चीज़ डाल लिया, अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको भी यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पहला एक्नॉलेजमेंट आपका नंबर मिल जाएगा, जो भी आपका नाम रहेगा नाम मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख रहा देखो, योर पैन कार्ड हैज़ बिन डिस्पैचेज 24 मई। दोस्तों आपका ये जो पैन कार्ड है डिस्पैच कर दिया, आपका एड्रेस पे भेजा जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पीड पोस्ट लिख रहा है, यानी कि बैड वे, यहाँ पे जो लिख रहा है आपको बिल नंबर, आप इससे स्पीड पोस्ट के थ्रू भी इससे चेक कर सकते कि आपका जो पैन कार्ड है कौन कौन सा एरिया में पहुँचा। आप यहाँ पे अगर आपको बिल नंबर यहाँ पे मिल जाता है तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे आपको अगर डिस्पैच यहाँ पे लिख दिया तो समझ लीजिएगा आपका पैन कार्ड जो है आपके एड्रेस पे भेजा जा रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से अपना पैन कार्ड को मतलब चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं अपना पैन कार्ड का स्टेटस कि आपका पैन कार्ड कब आने वाला है। अगर डिस्पैच आपको लिख दिया तो समझ लो आपका पैन कार्ड दोस्तों 5 से 7 दिन में आपका पैन कार्ड आ जाएगा। और अगर आप और भी अच्छा तरीके से जानना चाहते हो तो जो आपको लिख रहा है बिल नंबर, ये बिल नंबर आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट पे जाके चेक कर लेना। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।